أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه صدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم तमाम कस्म की तारीफ़ें वो बड़ाई वो बुज़ुर्गीबालमीन के लिए है जो हमारा हकीक मालिक है ख़ालिक है, हक़ीक़ी मुदब्बिर है जो मालिक अर्ज व समा है खाल कायनत है और लाखों करोड़ों दरुद सलाम का नज़ूल हो महमद बिन अब्दिल्लाशमी पर जिन्हें अल्लाह ताली ने सारे कायनत के लिए रहमत बना मबूस किया और दरुदो सलाम हो वो सच्चे सहाबा पर जिन्होंने आप अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की पैरवी की और अलैहि वसल्लम की तलीमत को सारी दुनिया के लोगों को सिखाया मैं अल्लाह इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है इसी तरह हम ही जन्नतफिरद में जमा करें आमीन या रब्लम और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहान तमज़ान की हमारी इबादतों को कबूल फरमाए हमारी मेहनतों को रियाज़तों को कबूल फरमाए हमारे ज़िक्र अज़कार दुआओं को कबूल फ़रमाए और हमारी गर्दनों को जहन्नम से रिहा करवाएं आमीन या आलमीन जो सिलसिला हम रमज़ान की मुबारक रातों में पिछले चंद दिनों पहले शुरू किए थे जिसका मौजूद था क़ुरान की तारीख़ इसे लेकर हमने मुख्तलिफ़ मौजुआत पर गुफ्तु की हमने वही और उससे जुड़ी हुई सारी बातें हमने सुनी और हमने गुज्तर की मजलिस में ये देखा कि ये जो अल्लाह का कलाम कुरान है जो आप का मुजा है और ये ऐसा मजजा है जो क़ियामत तक बाकी रहेगा यह ऐसा मुजजा है जब तक ये ज़मीन में रहेगा ज़मीन की हिफाजत होगी और जिस दिन इस मुआजे को उठा लिया जाएगा तो ज़मीन की बका की कोई गारंटी नहीं होगी हमने देखा कि ये जो मुज़ा है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लेकर पढ़ते थे तो ने मक्का पर कैसा तासीर पैदा होता था और कैसे वो कुरान को लेकर इंतहाई मुतासर होते थे कुरान की आयतें उन्हें किस हद तक झिंझोड़ती थी ना चाहते हुए नफ़रत करते हुए दूरी इख्तियार करते हुए उसके बावजूद उन्होंने क़ुरान की आयतों को सुना और वो आयतें उनकी दिल की दुनिया को बदलती रही और उनमें से एक बहुत बड़ी तदाद इस्लाम कबूल करती है और उन्हीं में से लोग सहाबा बनते हैं जिन्होंने शुरू में खतरनाक एराज किया शुरू में जान तोड़ मेहनत की इस्लाम की ए, बोल बाला को दबाने के लिए ये आगे चल के इस्लाम के तरफ बदार बन जाते हैं ये बहुत सारी मिसालें हमने कल की मजलिस में देखी हमने ये देखा कि लोग आते थे मक्का में तो मुशरीकी मक् उनसे कहते थे कि आप सब कुछ करिए मक्का में लेकिन मोहम्मद की बात मत सुनिए उसके पास जो कलाम है वो बड़ा ही साहिर कलाम है सहर कर देता है जादू कर देता है तो तुम इसकी कलाम को मत सुनो तो लेकिन उसके बावजूद लोगों ने सुना तो फैल बिन अहमर दौसी गाद अल अजी उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद जिन लोगों ने अल्लाह के कलाम को सुना और अल्लाह के कलाम ने उन्हें बदल दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू के तीन साल के बाद जब हुक्म हुआ कि डंके की चोट में आप इस्लाम का ऐलान करो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा बहस व मुबा करने के बजाय सिर्फ कुरान की तिलावत की मुशर्क आते वो एतराज करते बहुत सारी बातें करते पेशकश करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में सिर्फ और सिर्फ ये कहते कि चलो मैं अपनी बात शुरू करता हूं और उसके बाद वो कुरान की तिलावत करते तो कुरान की तिलावत लोगों को बदलती रही इस तरीके से कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बढ़ती रही तो आज के मजलिस में हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान को लेके पढ़ना शुरू किया नमाज में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुरान के ताल्लुक से कैसे उभारा और आप अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इस कुरान की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब उम्मत में से ऐसे लोग पैदा हो जाए जो इस को याद करें और इसका इल्म हासिल करें जब तक वो ऐसे लोग तैयार नहीं किए जाते ये अल्लाह का कलाम ये अल्लाह का पैगाम आने वाली नस्लों तक नहीं पहुंचेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताल्लुक से बड़े मुहतात और बड़े कोशा होते थे कि उम्मत में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह के कलाम को याद करें अल्लाह के कलाम को सीखें और समझें और समझाएं आप वसल्लम ने आम तौर पर ऐलान करवा दिया था खैरुक तुम में से बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है कुरान सीखता है और सिखाता है आप सलाम ने इस हदीस के जरिए से लोगों के जहन में बात बैठा दी कि देखो भाई हमारी बात अगर अल्लाह के कलाम से जुड़ी हुई नहीं है हमारी बात अल्लाह के कलाम पाक कुरान से लगाव रखती है या नहीं है जब तक ये लगाव है तब तक हमारी बातों की हैसियत है अगर ये लगाव नहीं है तो हमारी बातों की कोई हैसी नहीं तो इसलिए सबसे सब बेहतर वो आदमी है जो कुरान सीखता है और सिखाता है कुरान सीखता है और सिखाता है और साहबा ने जब से हदीस सुनी तो साहबा ने ढेर सारे साहबा बड़ी तैदाद में इस हदीस पर अमल करने लगे उनका मशगला ही ऐसा था कि कुरान सीखे और सिखाएं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद तमीर की तो मस्जिद में अहब सुफ़ा नामी एक बहुत बड़ी ग्रुप थी जो मस्जिदें में रहती थी जिनकी तैदाद सत्तर की थी ये दूर दराज इलाकों से हिजरत करके मस्जिद नबवी में पहुंचे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म हासिल करने के लिए इनका मशगला क्या था सिर्फ कुरान याद करिए कुरान के मसाइल समझिए आप की अहादीस याद करिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करें ऐसे डेडिकेटेड लोग पैदा हो गए और आप वसल्लम आम तौर पर कहते थे आम तौर पर कहते थे कि कुरान इन इन नहादल कुरान यति शफीअन असहाबे ये जो कुरान है क़ियामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा ये जो आप कुरान पढ़ते हैं क़ियामत के दिन ये कुरान आपका आपकी सिफारिश करेगा अल्लाह के पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा जो आदमी कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ता है इसका तो शुमार क्यामत के दिन मलायका, बुजुर्ग मलायका नेक मलायका के साथ होगा ये आप कहते थे और आप ये भी कहते थे कि जिस किसी ने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो गया ये ये फी फलहु ये एक कुराना फलह अजरान एक आदमी कुरान पढ़ता है एक कुरान उस पर बड़ा ही ग्रां गुजरता है उसके जबान में अल्फाज नहीं चढ़ते उम्र बड़ी होने की वजह हो से बुजुर्गी की वजह से कुरान के अल्फाज उसके जबान में नहीं चढ़ते तो नबी वसल्लम ने कहा जब तक यह आदमी मेहनत करता रहेगा मेहनत करता रहेगा उसके लिए दो अजर ये कुरान पढ़ने का अजर दूसरा ये जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत के बदौलत अजर मिलने वाला है और आप वसल्लम ने भी कहा लोगों जान रखो कुरान के हर हर्फ पर दस किया है कुरान के हर हर्फ पढ़ने पर दस नेकियां हैं यह मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम, मीम एक हर्फ है बल्कि मैं ये कहता हूं अलिफ एक हर्फ है लाम एक हर्फ है मीम एक हर्फ है तो हर हर्फ पर दस दस नेकियां मिलेंगी आप ऐलान किया और आप के पास अगर कोई आदमी कुरान पढ़ के पहुंचता तो आप वसल्लम उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत की नजर से देखते ज़ैदिन साबित रही कहते हैं इनके बारे में आप सुनेंगे कैसे ये बुलंद मकाम को पहुँचते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतम जीतते हैं आप आपल् ने इन्हें कह दिया कि वो आप की मौजूदगी में फ़तवे देते थे आप की मौजूदगी में कुरान की तफसीर करते थे आपके मौजूदगी में लोगों को इस्लाम सिखाते थे हालांकि कम सिंह थे बड़ी उम्र नहीं थी बड़ा मलंद मकाम बल्कि साहबा में बहुत बड़े आलिम का मकाम मिला को। यह क्या थे मदीने के साहबी थे। ये कहते हैं कि जब नबीम हिजरत करके मदीना पहुंचे मैं इन्हें कुरान की सत्रह सूरतें याद कर ली थी कुरान की सत्रह सूरतें मुझे याद थी मैं आपको एक अहम नुकता बता देता हूं नबी सल्हसम के जमाने में कुरान नहीं था मतलब मुसहफ नहीं था देख के पढ़ने का सिस्टम था ही नहीं वहां पर कुरान पढ़ने का माना ही क्या है कुरान याद करने का है आदमी कुरान याददाश्त के साथ पढ़ता है यानी आज हमारे पास एक ये जो नाजरा पढ़ते हैं उसके बाद कुरान हिफ्ज करते हैं ऐसा सिस्टम नहीं था उस जमाने में सीधे सीधे लोग हिफ्ज करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबानी कुरान सुनते और आप उन्हें सिखाते कहते कि भाई ऐसा कहो जब उनकी जबान नहीं पलटती तो आप कहते कि नहीं नहीं इसे ऐसा नहीं इसे ऐसा पढ़ना चाहिए इसे ऐसा कहो तो आप दुरुस्त करवाते और आप कुरान याद करते करवाते अब्दुल्ला बिन मसूद रजी कहते हैं मैंने इस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सत्तर सूरतों को यूज किया है कितने सत्तर सूरतों को मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराहर रास्त याद किया है मैं पढ़ता था आप सुनते थे और आप मुझे याद करवाते थे और मैं आप के सामने याद करके आप को सुनाता था तो ऐसे मैंने सत्तर सूरतों को याद कर लिया था तो जैबिन कहते हैं कि जब नबी मदीना आए तो मैंने सत्रह सूरतों को याद कर लिया था तो की आंखों में मैं जचने लगा आप मेरी इज्जत बढ़ गई और आप मुझे हर काम में आगे करते और ये मेरा मर्तबा पहुंच गया कि मैं आप का गोया के खास मुशीर मिनिस्टर हूं यहां तक कि जब यहूदियों के खत आते थे तो आप सलाम कहते कि भाई जाओ यहूदियों की जबान सीख लो हम उन पर परमाद नहीं करते उनका जो तर्जुमा है उस पर हम ऐतम नहीं कर सकते तो जैद बिन साबित कहते हैं कि मैं जाकर पंद्रह दिन में यहूदियों की जबान में सीख लेता हूं और उसके बाद आप के खत पढ़ के को सुनाता हूं तो ये साहबी का इतना बड़ा मरतबा आप सल्लम की नज़र में वो इसलिए कि इन्होंने कुरान को याद कर लिया था और आप अगर लड़ाई ख़त्म हो गई जैसे कि ओहद के मैदान में हुआ ढेर सारे सहाबा शहीद कर दिए गए कबर में दफन करने का मौका आया तो आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने ये कहा कि एक बड़ा कबर खोदा जाए उसमें अक्सर बेशतर लोगों को डाल दिया जाए क्योंकि हर आदमी के लिए कबर खोदने का मौका नहीं हर आदमी के लिए कबर खोद के वो साहब को कबर में उतारना फिलहाल उसका कोई इमकान नहीं तो आप सल्लम ने तीन तीन चार चार कह के एक कबर में साहबा को उतारा है और जब इन लोगों को कबर में डालते तो कहते हैं कि ये चार में से ये पांच में से जिस किसी ने भी ज्यादा कुरान याद किया है पहले आप उसे डालें पहले आप उसे डालें और आप वसल्लम ने कहा ये उम्मुल कौम अकर कौम की इमामत कौम की सरदारी कौम की क्यादत कौम के सामने लीडर बनने की हैसियत उस आदमी को है जिसने कुरान ज्यादा पढ़ा है जो कुरान ज्यादा याद किया हुआ है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए यह आप सल्लम ने आपनेलान बतौर कायदा लोगों को समझा दिया तो लोग जहां कहीं भी जाते सबसे पहले तलाश करते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा कुरान के हाफिज हैं कहते हैं कि भाई आप आगे आइए आप ही सरदार बनने के काबिल हैं उस्मान बिन अबिल आस एक सहाबी हैं वो कहते हैं कि हम ताइफ से आए थे मेरा कबीला पूरा इस्लाम कबूल करने के लिए हम ताइफ से आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मुलाकात करते हैं और लंबी गुफ्तगू करते हैं और इस्लाम के मसाइल हम सीखते हैं जब मसाइल सीख गए तो हमारे कौम के लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम वापस अपने इलाके में जाएंगे तो हमारी इमामत कौन करेगा आपने नमाज पढ़ना सिखाया और आपने दूसरे मसाइल सिखाए तो या हमारी इमामत कौन करेगा तो नबी वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे कौम में जितने दिन तुम लोग रहे हो मदीना में इस मौके पर सबसे ज्यादा कुरान किसने याद किया लोगों ने कहा कि एक है बच्चा जिसका नाम उस्मान बिन अबिलास इस बच्चे ने कुरान को ज्यादा याद किया है तो नबी वसल्लम ने कहा कि चलो वो तुम्हारा इमाम है चलो वो तुम्हारा इमाम है तो एक औरत उठकर कहती है या रसूल अल्लाह ये जो बच्चा जिसकी इमामत के लिए आप कह रहे हैं इसका तो मामला ये है कि ये जो कपड़ा पहनता है इसके कपड़े इतने छोटे हैं कि सजदे में जाए तो इसका सतर खुल जाता है तो या रसूल अल्लाह इसके लिए कपड़े का इंतजाम करें तो आप सलाम ने ऐलान किया तो लोगों ने दो चादर दिए उस्मान बिन अबिलास कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन था कि जब मुझे दो चादर पहनने के लिए मिल गए गरीबी का यह आलम के नीचे सिर्फ एक चादर वो भी छोटा अंदाजा लगाइए कि गरीबी कैसी थी लेकिन उसके बावजूद उन लोगों ने दीन सीखा दीन पर अमल किया तो नबी सल्लम ने जब उनके लिए चादर का इंतजाम किया उस्मान बिन अबिल आस मक्के के गवर्नर बनते हैं आगे चल के आगे चल के आप तारीख में देखते हैं कि ये मक्के के गवर्नर बनते हैं मक्के की गवर्नर गवर्नरी जब मिली तो ये कहते थे कि ये जो उस्मान अबिल आस है जिसे, तुम कहते हो, जिसे तुम बड़ी देखते हो याद रख लेना एक ऐसा बच्चा था जिसके पास के लिए कपड़े नहीं थे आज तक मैं महसूस कर रहा हूं तो आप ने कुरान पढ़ने वाले कुरान सीखने वालों को बड़ी इज्जत दी बड़ी इज्जत दी इन्हें सबसे करीब रखते थे इसीलिए खलाफा राशि ओबर उमर ये के 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 चार अल्लाह कुरान के के अल्ला के के ऐसे ही नहीं हो गए उमर ऐसे ही करीब नहीं हो गए नबीम उन्हें पसंद करते थे बस नहीं नबीम ने इसलिए पसंद किया कि इनके पास कुरान है ये कुरान को पढ़ने वाले हैं कुरान को पसंद करने वाले हैं आपने कल की मजलिस में सुना कि ओबकर रद्ला जब उन्हें मक्का से निकलने का मौका आया तो इब्न इबनदुलगन्ना ने उन्हें रोक लिया तो ओबू बकर सिद्दीक उनके घर में उनके घर के सहन में कुरान की तिलावत करते थे उनकी तिलावत सुन के लोग बड़ी तादाद में उनके पास आते थे यह हमने कल सुना तो साथियों ये जो बड़े बड़े मकामा साहबा को मिले हैं याद रख लीजिए इसके पीछे कुरान ही कार फरमाए कुरान ही की बरकत की वजह से ये इतने करीब हुए हैं जो आदमी कुरान के करीब होता है वो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह सुबहन ने नबी फरमाया अहलुल कुरानी नबीसलम व खासतु कितनी बड़ी बात है देखिए ये जो कुरान वाले हैं ये अल्लाह वाले हैं और ये अल्लाह के खास खास लोगों में से हैं ये अल्लाह वाले हैं अल्लाह के खास खास लोगों में से हैं जो कुरान पढ़ते हैं कुरान सीखते हैं सिखाते हैं आह्ला व खासतु बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है ऐसे साथियों बहुत बड़ा मरतबा है नबी सासम कहते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई भी आदमी कुरान बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ता उसे बड़ी इज्जत की नज़र से देखते एक मरतबा आप साम मदीने के एक सड़क से गुजर रहे थे तो अबू मूसा अल लाशारी के घर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी साहेब कुरान है कुरान की तिलावत चल रही है कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप शाह रुक जाते हैं और थोड़ी देर तक के उनकी करात सुनते रहते हैं तिलावत सुनते रहते हैं और बड़े महजूज होते हैं जैसे ही तिलावत खत्म हुई दूसरे दिन अबू मूसा अल अशारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अय अबू मूसा अल्लाह ने तुम्हें आले दाऊद जैसा गला दिया है तुम्हारी जो आवाज़ है तुम्हारी आवाज में जो मिठास है ये गोया के आले दाऊद को अल्लाह ने जो दिया था क्योंकि दाऊद और उनके खानदान में ऐसे लोग थे जब अल्लाह का कलाम पढ़ते तो इनके साथ पहाड़ चरिंदे जितने भी जानवर है सब मिल अल्लाह का कलाम पढ़ते तो बड़ी खूबसूरत आवाज थी खुश लहन थे बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा मुसाशाही से कहा कि अल्लाह ने तुम्हें लक़द ऊती तमिजमा और मेरी आली दाऊत आले दाऊद को अल्लाह ने जैसे खुश लहन दिया था वैसे तुम्हारे पास बेहतरीन आवाज है अबू मुसाशा ने क्या कहा रसोल अगर मुझे मालूम होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं कुरान को और अच्छे अंदाज से पढ़ता अबू मुसाशा ने क्या कहा अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी तिलावत सुन रहे हैं तो मैं कुरान को और अच्छे अंदाज से पढ़ता तो मालूम यह हुआ कि अगर कोई आदमी अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करता है वो बहुत अच्छी बात है कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोई कोशिश करता है तो बड़ी अच्छी बात है यहां तक आप हदीस आपदी फरमाया फलई आदमी कुरान को लेकर अच्छे राग से नहीं पढ़ता जो कुरान को लेकर अच्छे राग से नहीं पढ़ता वो हमें से नहीं है आदमी पढ़ सकता हो उतना आदमी पढ़ने की कोशिश करें और कुरान में अजीज साथी हुई भी जान लीजिए एक है तिलावत और एक है तजवीज कुरान में कुरान के पढ़ोने में एक है तिलावत और एक है तजवीद तजवीद का माना कुरान के हरूफ को सही ढंग से अदा करना ये देखिए हमारी जबान में सीन एक ही है अरबी में सा के आवाज तीन निकलते हैं एक है सीन एक है सा एक है सा ये तीनों के माने अलग हैं अगर हम तीनों को एक ही अंदाज से पढ़ेंगे माने बदल जाएंगे अगर आप इसम कहेंगे तो माना इसका आता है नाम का अगर आप इसम कहेंगे माना आता है गुनाह का अगर आप इस्म को कोज कहेंगे तो माना उसका नाम बन जाएगा माना गुना नहीं रहेगा तो कुरान में ये जो तलफ की अदायगी है ये बहुत बहुत जरूरी है हा हा में फर्क है आ, आ में फर्क है फर्क है वा में फ़र्क है तो कुरान में जो अट्ठाईस हुरूफ हैं हर हर्फ के अपना पढ़ने का अंदाज है अपने तलफ़ुज की अदायगी है इसमें आप बदल करेंगे तो माने बदल जाते हैं तो कुरान की

नबी नबीसम आप जब रात में उठो और नमाज पढ़ रहे हो तो याद रखो कि कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ो कुरान को अच्छे अंदाज से पढ़ो ये शुरू में ही नबी वम ने सहाबा के अंदर ये बात इंकल्केट कर दिया कि कुरान जो है यह राग से पढ़ी जाने वाली चीज है और दूसरी बातें राग नहीं है इसमें तो आप ने लोगों के अंदर फर्क कर दिया कि जब वो पढ़ते तो ये कुरान है ये आप का कलाम है फर्क कर सकते थे तो जब बाद में जाके ये फर्क कर करके इनके अंदर इतना मलका पैदा गया कि आप जो भी कहिए कुरान क्या है कुरान ये है हदीस ये है तो उसके बाद नबी सा ने कहा कि अदीस भी लिख सकते हैं चलिए बात आगे बढ़ाइए उमर बिन खतब जो दूसरे खलीफा हैं ये ऐसे ही खलीफा नहीं बन गए ये कुरान के पूरे हाफिज थे है ना और इन्होंने कैसे कुरान को याद किया बड़ा हिजीब गरीब मामला है कहते हैं कि जब ये मदीना हिजरत कर कर आए माली हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि मुशरिक ने मक्का ने पूरा माल छीन लिया था सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हिजरत करने के करने के लिए निकले और मदीना पहुंच गए अब मदीने में इनके पास कुछ है ही नहीं तो तिजारत भी करनी है बी बच्चों की पालना है और साथ साथ नबी साहब से इल्म भी सीखना है तो उमर बिन खत्ताब ने देखी कैसा बेहतरीन प्रोग्राम बनाया कहते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था वो थे इतबान बिन मालिक ये अंसारी साहबी थे हम दोनों ने इतफाक कर लिया कि हम दो नबी सल्लम की मजलिस में जो भी होगा आपस में शेयर कर लेंगे खास तौर पर नई आयत नाजिल हों जो इकबान बिन मालिक याद करते हैं वो मजलिस में जाके याद करेंगे और दूसरे दिन आएंगे वो मुझे सिखाएंगे और उमर बिन खत्ताब ने कहा कि एक दिन हम मजलिस में जाएंगे और एक दिन हम मजलिस में नहीं जाएंगे और जिस दिन मैं मजलिस में नहीं जाऊंगा उस मजलिस में तुम जाना और जिस दिन मैं बाजार नहीं जाऊंगा उस दिन बाजार तुम जाना तो दोनों ने अल्टरनेटिव देश ऐसा इतफाक किया कि आप की मजलिस में जो भी बातें चलती हो वो मिस ना हो तो इस अंदाज से इतबान बिन मालिक जाते कुरान के आयतें याद करते नई बातें सीखते और उमर बिन खत्ताब से मुलाकात करते कहते कि भाई कल की मजलिस में ये आयतें हमने याद की और ये नई नई बातें हमने सुनी ये नए मसाइल हमने सुने तो इस तरीके से दूसरे दिन उमर उस मजलिस में जाते इतबान में मालिक बाजार जाते वो बाजार से वापस आए दोनों की मुलाकात होती तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि आज की मजलिस में ये नई नई आयतें आईं हमने इन नई नई आतों को सीखा इन नए मसाइल को सीखा तो दोनों ने इस अंदाज से कई साल तक इल्म हासिल किया रहमान अब्दुलरम्समी रही कहते हैं कि मैंने उस्मान बिन अफान अब्दुल्ला बिन मसूद और दूसरे सहाबा को देखा है इनके पास कुरान याद करना सिर्फ उस पर गौर नहीं था बल्कि कुरान के साथ अमल भी सीखते थे वो दस आयतें याद करते दस आयतों में जो भी माने हैं उन मानों को सीखते और उसके बाद अमल करते उसके बाद दूसरे सेट ऑफ टेन वर्सेस की तरफ जाते तो दस दस आयतें याद करते उसके माने समझते उसकी तफसीर जानते उसके बाद उस पर अमल करते उसके बाद फिर दस आयतें तो इस तरीके से बाहबा ने दस साल में सूर्य बकरा खत्म किया है इसलिए कि वो सिर्फ ना याद करते थे बल्कि इसकी तफसीर जानते थे और इस पर अमल करना सीखते थे इस तरीके से साहबा ने कुरान को अपना रोजमर्रा का मशगला बना लिया और एक मरतबा बीर मौना नामी एक लड़ाई में हुआ यह था कि बाज मुशरकिन कबाइल के लोग आ आ आए आकर कहा अरे मोहम्मद हमारा कबीला मुसलमान होना चाहता है और उनके पास ढेर सारे शको शबाह हैं इस्लाम को लेकर तो आप ऐसे उलमा भेजें जो उनके शबको शुबहत को दूर करें उनसे गुफ्तगु करें उनसे डिस्कस करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्तर कारी को भेजा याद रख लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिसे कारी कहा जाता है वो आज का कारी नहीं है नबी वसलम के जमाने में कारी क्रा उस आदमी को कहते थे जो बायदा शरीय का आलिम होता था जिसके सीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी हुई बातों का बहुत बड़ा मजमु होता था और वो बहुत ही रेयर लोग होते थे तो बीर मऊना में चूंकि मुशरकिन ने कहा था कि वहां बड़े बड़े सरदार लोग हैं वो इस्लाम पर गुफ्तु करना चाहते हैं तो आप सल्लम ने खुशी में सत्तर कारी सत्तर कारियों को भेजा कि उन लोगों से गुफ्तु करें अब हुआ ये कि जब ये सत्तर कारी उस कुएं के पास पहुंचे जिसे मऊना कहा जाता है उसके आसपास ये कबायल आबाद थे तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो ये कबाइल वालों ने गद्दारी की वो अपनी बात बातों से मुखेर गए और वो अचानक इन उलमा पर टूट पड़े और सत्तर के सत्तर आलिमों को उन्होंने कत्ल कर दिया सत्तर के सत्तर आलिमों को उन्होंने कत्ल कर दिया जब ये खबर आप को पहुंची तो आप सलाम बहुत ही गमगीन हुए और इतने गमगीन हुए कि पूरे एक महीने तक पूरे एक महीने महीने तक आप सल्लम इन लोगों पर बदुआ भेजते रहे फजर की नमाज में दुआत में कहते अल्लाह आदादा वशर बदलाम औदम अल्लास्ज जमना हम इनके जमावड़े को खत्म कर दे इन्हें चुन चुन कर कतल कर और उसके बाद आप सल्लम ने दूसरे साहबा को भेजा जो जाकर इन कबाइल से जबरदस्त इंतकाम लेते हैं तो आप सल्लम को काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी गमगीन होते हैं उसकी वजह ये कि ये सत्तर कुरान के केमा कत्ल कर दिए गए थे सत्तर कुरान के केमा कत्ल कर दिए गए थे ये आप सल्लम को बहुत गम में डालने वाला था और आप सल्लम के ज़माने में जब आप सल्लम का ज़माना आखिरी आया तो जिन लोगों ने क़ुरान हिस्स किया जो कुरान के माहिर थे जो कुरान दूसरों को सिखाने की काबिलियत रखते थे उनमें से मैं आपके सामने चंद नाम गिनवा देता हूं, ताकि ये बात आपके जहन में रहे महाजरीन में से खुलाफा राशिदीन ओबकर अली ये चारों के चार कुरान के पूरे हाफिज थे चारों के चार पढ़ाई लिखाई में आगे थे इलमी जौक रखते थे मसायल में दर्क रखते थे समझ रखते थे तो इसीलिए खुलाफा राशिद बने उसके बाद तलहा बिन रबैदुल्लह जिन्होंने पूरा कुरान हिस्स किया था उसके बाद साद बिन अबी वक्स अल्लाह अकबर कितने बड़े सहाबी उसके बाद हुजैफा और उसके बाद सालिम मौला अबू हुजैफा ये भी वो लोग में से थे जिन्होंने कुरान याद किया उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद इनशाला इनके बारे में आपके सामने मैं तफसील से बात रखूंगा क्योंकि यह बहुत ही गैर मामली आदमी है सहाबा में कुरान का इल्म अगर किसी के पास था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो आप हिफ्ज ले लीजिए वो आप तफसीर ले लीजिए वो आप कुरान की जबान को ले लीजिए वो आप कुरान के किसी भी शान नजूल को ले लीजिए इनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था अब्दुल्ला बिन मसूद से बड़ा कोई आलिम नहीं था बल्कि ये दावे से कह सकते थे कहते थे कि खुदा की ख़ज़म, अगर कोई आयत नाजिल हो तो मुझे मालूम है कि यह आयत किस वजह से नाजिल हुई और यह आयत किस जगह नाजिल हुई यह आयत का शान नजूल क्या है अगर मुझे यह ना मालूम हो मुझे मालूम हो कि किसी और को मालूम हो और उसके पास ऊंट पहुंच सकता था तो मैं ऊंट में सवारी करके उसके पास पहुंचता और उसका इल्म हासिल कर लेता तो इस अंदाज से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहे थे तो अब्दुल्ला बिन मसूद एक ऐसे जबरदस्त कुरान के माहिर कुरान की खराब के, के माहिर कुरान की जबान के माहिर कुरान के तफसीर के माहिर कुरान के मसाइल के माहिर इनके टक्कर का कोई नहीं था अब्दुल्ला बिन अब्बास जिन्हें हम कुरान का बहुत बड़ा मुफसर कहते हैं याद रख लीजिए वह अब्दुल्ला अक्सर बिन मसूद से सीखा था तो इंशाल्लाह बिन मसूद पर इंशाल्लाह हम कल तफसील से गुफ्तगू करेंगे आज सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद हो गए उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर ये भी कुरान के हाफिजों में से थे उसके बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास इन इन पर जो तफसी गुफ्तगू आएगी सामने उसके बाद अमर आस है ना ये अब अमर आस कौन ये अहजाब तक इस्लाम के दुश्मन रहे अहजाब के बाद इस्लाम कबूल करते हैं तो देखिए पांच साल छह साल में कुरान के हाफिज बन गए पूरा कुरान इन्होंने लिया अल्लाह कबर उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर बड़ी शख्सियत उसके बाद मुआविया बिन अभी सूफियान मामले आदमी नहीं थे मुआविया इंतई हकीम समझदार और कुरान के हाफिज थे और ये ने वही में से थे और आप के लिए वही लिखा करते थे वो भी तफसी आपके सामने आएगी और औरतों में से आयशा तो ये कहती के में सिर्फ एक शायर के बारह हजार अशार मुझे याद हैं लबीन बिन आसम नामी एक शायर के बारह हजार अशार मुझे याद हैं तो गैर मामूली बहुत बड़ी आलिमा थी माई आयशा रवी उसके बाद हफ्त बिन उमर यह भी कुरान के हाफिजा में से थी और उसके बाद उम्मे सलमा मैं इन लोगों के नाम गिनवाए जो मशहूर हैं इसके अलावा गैर मशहूर बड़ी तदाद है जो कुरान के बहुत बड़े आलिम कुरान का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले थे उनके मैंने नाम गिनवाए ये महाजरीन में से अनसार में से सुनिए उबई बिन काब अल्लाह अकबर उबई बिन काब उबे बिन काब कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल आकर कहते हैं कि आए मोहम्मद तुम तुम्हारा कुरान उबई को सुना लेना तुम्हारा कुरान उबई को सुनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबई बिन काब से कहते कि चलो मेरा कुरान सुनो तो उबई बिन काब शर्मा कर कहते थे यार अल्लाह मैं आपका कुरान सुनूं, जबकि कुरान आप पर नाजिल हुआ तो नबी सा ने कहा कि नहीं मुझे कुरान मेरे अलावा दूसरों से सुनने में मजा आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलील्हुबे बिन काब को कुरान सुनाते थे और उबे बिन काब से कहते थे कि कुरान पढ़ो और ओबे बिन काब कुरान पढ़ते और रोक रोक के ऊबे बिन काब को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते इसीलिए कुरान को जितने भी अंदाज से पढ़ा जा सकता है ये जो सब आकार कहते हैं इसके उबे बिन काब जैसा कोई आलिम नहीं था ये मदीने में इस्लाम कबूल करते इनकी भी पूरी तफसील में आपके सामने लाने वाला हूँ और उसके बाद

इनकी एक मस्जिद थी नबी नबीम ने कहा कि तुम उस मस्जिद की इमाम बनोगे और मुआद बिन जबल उस मस्जिद की इमामत करते थे और वहां पर लोगों को तालीम देते थे और मुआद बिन जबल की ख्वाहिश होती है कि नबीलम के पीछे पड़े तो क्या करते थे वो आते थे पहले नबी सा पीछे नमाजें पढ़ लेते थे और वापस जाकर अपनी मस्जिद में इमामत करते थे हर नमाज दो दो बार पढ़ते थे लोगों ने जाकर शिकायत की कहा कि यार रसोल्ला दिन में दस वक्त की नमाजें पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु नबीम ने बुलाकर पूछा कि भाई क्या मामला है तो कहा यार रसोल्ला आपकी इमामत में छोड़ना नहीं चाहता आपकी इमामत में फीछे नमाज पढ़ना में छोड़ना नहीं चाहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने उन्हें छूट दी तो जो नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे वो नफिल थी और वो जाके अपने लोगों की इमामत करते थे फर्ज की नीयत से तो ये यह बिन जबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उनकी मस्जिद अल्लाह अकबर अंदाज़ा लगाइए कितने बड़े हैं तो ये भी कुरान के मुकम्मल हाफिज थे बड़े जहीन होशियार आदमी बिन साबित अल जी इनके बारे में तो पूरी तफसील आपके सामने आने वाली है जईद बिन साबित एक ऐसे आदमी हैं जिनका एहसान जो कोई भी कुरान पढ़ता है उस पर है क़ियामत तक जितने भी लोग कुरान पढ़ेंगे उन पर किसका एहसान है जईद बिन साबित अल खजर का एहसान है ये जो कुरान आप किताब की शक्ल में देखते हैं किसने बनाया है तफसी आएगी आपके सामने ये जईद बिन साबित अल जी रजील ने बनाया इतने जहीन इतने होशियार आदमी कि पंद्रह दिन में वो हिब्रियो जबान सीख लेते हैं और आप साथ के साथ हमेशा छाओं की तरह रहते हैं और आप के ये समझिए कि ये एक एक, एक इल्मी बैकअप थे आप आप्लम इनसे कई बातें पूछते थे और जैद बिन साबित आप साथ 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 को याद दिलाया करते थे तो गैर मामली आदमी थे जैद बिन बिनत रहा जो नबी वम के आने से पहले सत्रह आयतों को उन्होंने याद कर लिया था उसके बाद अबू अल्लाह अकबर अबू अबूदरदाह जोहद में इनका बड़ा मकाम है इनकी भी जिंदगी आपके सामने आएगी उसके अलावा ये ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने शाम में दिमश में जाम उमवी में पचास साल तक लोगों को सिर्फ कुरान पढ़ाया है पचास साल तक सिर्फ लोगों को कुरान पढ़ाया है इनके शागिर्दों में से वो लोग आए जो आगे चल के अरबी जबान के इमाम बने तो बहुत बड़ा मकाम है अबू दरदा का उनकी भी जिंदगी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा उसके बाद मजमा बिन जारिया सलमा बिन मखलद और अनस बिन मालिक ये चंद नाम हैं अनसार में से जिन्होंने नबी साम के जमाने में कुरान का मुकम्मल इल्म हासिल किया याद रख लीजिए जब हम नबी साम के ज़माने में कुरान का इल्म कहते हैं तो मैं बार बार दोहराता हूँ सिर्फ हिफ नहीं हिफ तो है उसके अलावा कुरान का इल्म कुरान के आयतों की समझ कुरान के अल्फाज की समझ कुरान में ऐसे अल्फाज ऐसी बातें हैं जो आम अरब नहीं जानते थे

तीसरी बात में आप साहब ने कहा अबू दरदा से पढ़ो मुआद बिन जबल से पढ़ो जैद बिन साबिर से पढ़ो अबू जैद से पढ़ो तो आप ने इन तीन रिवायतों में बाज नामों की तब्दीली के साथ चार चार लोगों के नाम गिनवाए अब्बाज इस्लाम के दुश्मनों ने उन्हें मौका मिल गया कीचड़ उछालने के लिए उन्होंने कहा कि देखो भाई नबी साम ने खुद कहा है कि उनके जमाने में कुरान सिर्फ चार लोग ही पढ़ा सकते हैं इन जाहिलों को इन खुद गर्जों को यह बात नहीं मालूम जब नबी सा कोई तैदाद सुनाते कहते कि भाई तीन ऐसे लोग हैं चार ऐसे लोग हैं जो हदीसों में सुनते हैं तीन लोगों से ना अल्लाह बात करेगा ना पाक करेगा ना उनसे सुनेगा है कि नहीं तो नबी नबीम तीन लोगों गिनते हैं एक दूसरे हदीस में एक और एक आदमी का नाम जिक्र करते हैं तो ये जो नंबर्स आप नंबर सुनाते थे ये अरब, अरब के तरीके पर गैर अरबों के पास क्या है जब नंबर सुनाए जाते हैं वो समझते हैं कि तीन ही ऐसे ज्यादा नहीं अरबों के पास ऐसा नहीं अरबों के पास ये तीन इसलिए बताए जाते कि उनके बाद उनकी सीक्वेंस बयान करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि तीन ही है इसीलिए कैद मिलता है नंबर का लिमिटेशन मिलता है आप अच्छी तरीके से जान लीजिए इतना ही नहीं है इतना ही नहीं और भी है इसीलिए आप मुख्तलिफ अहादीस में बहुत सारी चीजों को सुनाया अब जैसे देखिए तीन लोग जिनसे अल्लाह ना बात करेगा ना पाक करेगा ना उनसे अल्लाह जो है गुफ्तु करेगा उसमें से एक हदीस में झूठी कसम खाकर बेचने वाले का जिक्र नहीं है यही तीन लोगों के जिक्र में एक जगह नबी साम ने झूठी कसम खाकर बेचने वालों का जिक्र किया है और एक जगह जिसके कपड़े टखने के ऊपर होते हैं उसका जिक्र किया है एक रिश्तेदार काटने वाला और एहसान जताने वाला तो ये जो नंबर्स आप सलाम सुनाते हैं ये नंबर्स क्या है ये फाइनल नहीं होते ये अरबों के तरीके पर आप सासन सुनाते हैं अरबों के पास ये बोलने का एक तरीका होता है तीन ही है भाई सुन लीजिए बस इसका मतलब तीन ही नहीं और ज्यादा होंगे तो उस तरीके पर आप सासन में कहा कि चार लोगों से आप कुरान सुनिए चार लोग हैं जिन्होंने कुरान मुकम्मल जमा किया है तो उसका माना नहीं कि सिर्फ चार हैं हकीकत की नजर रखने वाले अगर तारीखी किताबें पढ़ेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि इनकी बहुत बड़ी तदाद है तो इल्म ने मुख्तर यह अर्ज किया है कि नबी सल्लम के जमाने में हजार से जायद हजार से जायद ऐसे सहाबा, थे जिनके पास पूरा कुरान उनके सीने में याद था पूरे कुरान का इल्म उनके पास था पूरे कुरान इसके अलावा बाज पारे बाज हिस्से बाज मालूम रखने वाले तो पूरे थे कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसे कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा याद ना हो है कि नहीं हम बात कर रहे हैं उन लोगों के पास जिनके पास पूरा कुरान उनके सीने महफूज है हजारों से ज्यादा थे हजारों से ज्यादा थे इसे आप अच्छी तरीके से जान लीजिए तो ये आप सल्लम ने ऐसी कौम को तैयार किया ऐसी कौम को तैयार किया जो कुरान को अपना मशगला बना लिया उठना बैठना उनके पास कुरान था उनके बच्चों को कुरान पढ़ाते थे बच्चियां कुरान पढ़ती थी बूढ़ियां कुरान पढ़ती थी हर बाजार में लोग कुरान पढ़ते थे चलते फिरते कुरान पढ़ते थे तो आप सल्लम ने कुरान को ऐसे इनके जहनों में उतारा कि इनकी जिंदगियां कुरान बनने लगी याद रख लीजिए ये अल्लाह सुबहान तला का वादा पूरा करने का एक अंदाजा है अल्लाह ने क्या कहा इन्ना सुबहान तौन जिक्र व इन्ना लहू लहूल हमने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे ये देखिए सुबहानल्ला कैसी हिफाजत एक पूरी कौम एक आदमी पर मुनसर नहीं एक आदमी पर पूरा कुरान डिपेंडेंट नहीं कि वो मर गया तो खत्म पूरी की पूरी कौम इसके लिए डेडिकेटेड हो गई और पूरी की पूरी कौम का काम ही कुरान ही कुरान है कुरान ही कुरान है कुरान का समझना कुरान ही उनके लिए ओढ़ना बिछोना था ऐसा माहौल आप वसल्लम ने बना दिया तो इसमें ने कुरान को लोगों के सीने में एक अंदाज से मुकम्मल महफूज कर दिया इसके अलावा आप अलैहि वसल्लम ने क्या किया कुरान को लिखने का भी इंतजाम किया ताकि ऐसा कोई ना कहे कि भाई कुरान को लिखकर हिफाजत नहीं किया गया है लोग याद करते हैं तो भूल जाते हैं फुला हो गया फुला हो गया हालांकि इस कलाम के लिए कोई गुंजाइश आप साम ने ही छोड़ी इस बात के लिए कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा क्योंकि हजारों के लोग याद किए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद चूंकि अल्लाह का वादा था तो अल्लाह ने इसकी हिफाजत का एक दूसरा भी इंतजाम करता है कि आप सल्लम ने इसे लिखना शुरू किया कैसे लिखते थे देखिए अरब एक ऐसी कौम थी जो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी मैंने आपको कल बताया था ये लोग इनके पास लिखना पढ़ना ये इनका मशगला में दाखिल नहीं था लिखने पढ़ने वालों की तेदाद थी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं तेदाद थी लेकिन बहुत कम थी उनके यहां रोजमर्रा में लिखना पढ़ना नहीं था रोजमर्रा में उनके यहां सिर्फ सुनना बोलना यही उनका मशगला था लिखना पढ़ना उनके पास बहुत कम था थे मक्के में कई लोग थे जो लिखते थे जैसा कि आपने देखा वरका बिन नौफल जिनके पास खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाती हैं वो भी तो तौरात का तर्जुमा करते थे तौरात का अरबी में तर्जुमा करते थे लिखने वाले मौजूद थे लेकिन बड़ी तादाद में नहीं थे तो जब कुरान नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोड ऑफ सेफ्टी को भी इस्तेमाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबी ने वही होते थे मक्के के जमाने में ओबकर सिद्दीक और उमर बिन खत्ताब और उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ये वो लोग थे जो कुरान लिखते थे पुरान कैसे लिखा जाता था ये वो जमाना था जब कोई किताबी नहीं थी पेपर का इस्तेमाल नहीं था पेपर था ही नहीं दुनिया में बहुत ही कम लोगों ने किया था। जो कौम है, उन पेपर का इन्वेंशन किया डिस्कवरी की लेकिन बहुत ही कम पैमाने में इस्तेमाल करते थे वो मुसलमानों ने उसे बढ़ाया मुसलमानों ने सारी दुनिया में पेपर के कारखाने लगाए मुसलमान ही थे जो सारी दुनिया को बताया कि भाई किताबें पेपर की बनाई जा सकती हैं तो सारी दुनिया में पेपर को प्रमोट करने वाले मुसलमान ही थे अब जब मुसलमानों ने पेपर का इस्तेमाल किया बगदाद के अंदर ऐसी गलियां थी जिनमें सिर्फ पेपर के कारखाने थे बहरहाल नबी साम के जमाने में पेपर का इस्तेमाल नहीं था तो लोग लिखते थे और बहुत ही चंद लोग लिखते थे वो भी लिखते थे तो कैसे लिखते थे एक ऐसा फॉन्ट था जिसे अम्माती कहते थे इस फॉन्ट में नुकते नहीं है आज आप कुरान पढ़ते हैं तो बा में कितने नुकते हैं एक नुकता है ता में नुकते हैं सा में नुकते हैं शीन में नुकते हैं है कि नहीं अट्ठाइस हरूफ में चौदह हरूफ में नुकते हैं चौदह हरूफ में नुकते नहीं है यह वो ऐसा फॉन्ट था जिसमें कोई नुकते नहीं जेर जबर भी नहीं आज आप अरबी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं जेर जबर पेश है ना हिज्जे करके पढ़ते हैं फतहा फतेह कसरा ये कोई चीजें नहीं थी ना नुकते थे ना जेर जबर पेश ऐसा एक फॉन्ट था जिसमें लिखते थे अच्छा किसमें लिखते थे हदीसों में चार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं सबसे पहला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रिका रिका कहते हैं टुकड़ियों को वो आपका अगर पत्ते की टुकड़ी है या फिर कपड़े की टुकड़ी है छोटी छोटी टुकड़ियां है ना उसमें लिखते थे रुका بن साबित कहते हैं हमने जब कुरान जमा किया तो हमने रुका से ज्यादा कुरान जमा किया रुका छोटी छोटी टुकड़ियों में उसके बाद दूसरा आता है आसीब आसीब कहते हैं खजूर के झाड़ के टहनी को खजूर का झाड़ है उसके टहनी में जो मोटा जो स्टम होता है उसे चीर के उससे क्या है तख्तियों जैसे बनाते थे उसमें लिखते थे उसी तरीके से तीसरा लफ्ज आता है अक्ताफ अक्ताफ कहते हैं बड़े जानवरों के मोड़ों को बड़े जानवर जो होते हैं उनके जो जैसे हो गया आपका ऊंट घोड़ा और उसके बाद गाय इनके जो मोंडे होते थे जब वो मरने के बाद उन हिडियों को काट कर निकालते उन हड्डियों में लिखते थे उसी तरीके से चौथा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल अख्ताब अल अख्ताब कहते हैं ऐसे लकड़े के टुकड़िया जो ऊंट और घोड़े के ऊपर लोगों बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे सैडल कहते हैं है ना कजावा जिसे कहते हैं या फिर जो हौदत जो होता है जो ऊपर रखते हैं जिसमें लोग बैठते हैं तो उसमें से जो तख्तियां निकलती हैं उसमें इन चीजों में कुरान को लिखा गया अल्लाह अकबर इन चीजों में कुरान को लिखा गया चमड़ी की टुकड़ियां कपड़े की टुकड़ियां हड्डियां है ना उसके बाद लकड़ियां और उसके बाद पत्थर लिखाफ कल इस्तेमाल हुआ है पत्थर पत्थर की तख्तियां इन चीजों में लिखते थे और कैसे लिखते थे नबी अलैहि इन्हें बुलाते बुलाकर बुला कहते कि देखो भाई आज ये आयत का नजुल हुआ है आप इस आयत को इस सूरत में लिख लेना इस आयत को इस सूरत के इन आयतों के ऊपर लिख लेना इन आयतों के बाद लिख लेना इस तरीके से आप सहाबा को बताते और साहबा इन चीजों को लिखते जाते मक्के में लिखने का काम बहुत कम था क्योंकि जो कुरान नाजिल हुआ बहुत ही कम था और जो कुरान नाजिल हुआ था वो उसके छोटी छोटी सूरतें थी लेकिन बड़े पावरफुल मौसर आयतें थी अब जब मदीना का मसला मदीने का जमाना शुरू हुआ तो उस वक्त तो बड़ी बड़ी सूरतें ये देखिए मक्की और मकदनी सूरतों में आप फर्क कैसे कर सकते हैं मक्की सूरतों के जो आयात हैं छोटी छोटी होंगी और अल्फाज बड़े मजबूत होंगे मदीने सूरतों की आयतें बड़ी लंबी होंगी एक आयत है डेढ़ सफे में डेढ़ पेज में उस आयत का नाम क्या है आयत उद्दीन यह आयत कितनी लंबी है कितनी लंबी है डेढ़ पेज है और एक आयत है सिर्फ एक ही लफ्ज मुदहा मतान एक ही लफ्ज एक आयत है है कि नहीं तो इस अंदाज से यह इस कुरान की आयतों को लिखा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जो मैं बता रहा था कि मदीने की जो आयतें हैं लंबी होती हैं बड़ी लंबी लंबी होती हैं सूरह देखिए सूरह बकरा उसमें दो सौ अस्सी परचेट टू एटी सिक्स आयातें हैं सूरह कौसर उसमें सिर्फ तीन आयतें हैं तो मक्की सूरतें इनकी आयतें छोटी होती हैं मदनी सूरतों की आयतें बड़ी लंबी लंबी होती, लंबी होती हैं मदनी सूरतों में मसाइल का जिक्र होगा मक्की सूरतों में मसाइल का जिक्र नहीं होगा मक्की सूरतों में अकीदे में बात होगी तोहीद की बात होगी, शिरक पर रद्द होगा नमाज की तरफ बुलाया जाएगा अल्लाह के राह में खर्च करने की बातें होगी ये सूरतों का सब्जेक्ट, मक्की सूरतों का, का मौजू है मदनी सूरतों में मसाइल का जिक्र है हज के मसाइल का जिक्र है नमाज के मसाइल का जिक्र है वजू का तरीका है तलाक के मसाइल हैं निकाह के मसाइल हैं और है उसके बाद बच्चे को लेकर कई मसाइल हैं तो ये मदनी सूरतों में मसाइल का जिक्र ज्यादा होता है इसलिए बड़ी बड़ी लंबी में मौजूदी एट सूरतें मक्की और एटी सिक्स सूरतें दोनों को जोड़ लीजिए कितनी सूरतें आती है एक हजार चार सौ एक सौ चौदह दोनों का ट्वेंटी एट प्लस एटी सिक्स कर लीजिए एक सौ चौदह सूरतें हैं बस तो मक्की सूरतें देखिए बीस पराठा हैं और अक्सर कुरान के आखिर हिस्से में कुरान का आखिर जो आखिरी जो पारा है आप उसमें उठा लीजिए अक्सर इनमें है और इसकी सूरतें छोटी छोटी होती हैं आयतें बड़ी मौसर होती हैं माने बड़े गहरे होते हैं तो इस तरीके से मक्के में काम कम था जब मदीना आया है नबीम तो ने वही की तैदा चालीस की हो गई चालीस लोग थे जो कुरान लिखा करते थे और उसमें नए जैद बिन साबित शुमार शामिल हो गए ओबे बिन काब दाखिल हो गए मुआविया रज़ी अन्हु दाखिल हो गए ये पूरी कमेटी थी जिन्हें कातिबी ने वही कहा जाता है ये आप साथ के साथ बैठते और आप आपने बताते कि भाई कहाँ क्या क्या, क्या लिखना है फलाने ने लिखा है आप कहाँ लिखिए इस तरीके से जब आप दुनिया छोड़कर जा रहे थे तो उस वक्त आप ने हजारों की तैदाद हुफास की बना दी और एक कुरान का मुकम्मल कॉपी तैयार कर दिया ये पूरा सेट आप ने लिख दिया था अब ये पूरा सेट क्या है इसमें हिडियां हैं तख्तियां हैं चमड़ियां हैं कपड़ों में लिखा गया है ये सब मुख्तलिफ जो आइटम्स है इसमें लिखा गया था ये आप साम ने अपने पास रखा हुआ था जो भी लिखते थे आप अपने पास रखते अब इसके अलावा बास सहाबा अपने तौर से लिखते जैसे अली बिन अबी तालिब थे वो अपने तौर से कुरान अपने अपना कॉपी मेंटेन करते थे माय आयशा के पास उनकी कॉपी थी और उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद के पास उनकी कॉपी थी ये अनऑफिशियल कॉपीज थे लोग अपने लिए लिखते थे उसमें वो कुरान के आयतों के माने लिख लेते थे कुरान की तफसीर भी लिख लेते थे उसमें वो अपनी बात भी जो अपनी समझ की वो भी डाल लेते थे तो ये लोग अपने अपने अंदाज से उनकी कापियां उनके पास हैं लेकिन एक कापी जो ऑफिशियल आप मेंटेन करते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था आप ने कुरान को एक किताब की शक्ल नहीं दी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी क्यों नहीं थी जरूरत नहीं थी क्योंकि नबी साम के जमाने में गैर अरबों में इस्लाम नहीं फैला नबी साम के जमाने में इस्लाम कहां फैला है सिर्फ अरब की सरजमीन में इस्लाम फैल रहा है जो भी मुसलमान हो रहे हैं वो अरब है बहुत इक्का दुक्का खाल खाल एक दो नज़र आएंगे आपको जो गैर अरबी हैं इस्लाम कबूल करते हैं लेकिन उन्हें अरबी आती है लेकिन उन्हें अरबी आती है जैसे सुहैब सुहैबरूमी हो गए सलमान अल फारसी हो गए ये अरबी जानते थे हालांकि थे वो दूसरे ज़मीनों से ताल्लुक था उनका लेकिन वो अरब में आते हैं अरबी जान लेते हैं बाद में इस्लाम कबूल करते हैं तो बताने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब के सरजमीन से बाहर इस्लाम नहीं गया जो भी मुसलमान हुए पूरे अरब थे तो इसलिए इन्हें इन्होंने जो याद किया था वो उनके लिए काफी था और एक आपको मैं बड़ी मजे की बात बताता हूं बड़ी मजे की बात यह है कि अरबी जबान एक नहीं है जैसे आपकी तमिल एक नहीं है है ना आपकी एक मद्रास की भी तमिल है है कि नहीं आपकी एक तिरछी की भी तमिल है आपकी एक मद्रास की भी तमिल है और आपकी एक श्रीलंका की भी तमिल है है कि नहीं श्रीलंका में वर्तम बोले थे क्या उनके पास न भाई वर्तमा श्रीलंकन जबान में आप बोलेंगे तो माना क्या भाई आपको क्या बीमारी है क्या यहां मद्रास में, मतलब? में एक साथ, साथ श्रीलंकी रियाद में तो एक तबियत ठीक नहीं थी वो मुझे बोले, भाई वर्तमान तो उनके जबान में वर्तम का माना क्या है जबान ठीक नहीं है मतलब आपकी तबियत ठीक नहीं है हमारे तमिल में क्या है हाँ की गम है कि नहीं तो ऐसे जो है एक ही जबान है अब उर्दू आप ले लीजिए माशाला हमारी मद्रासी भी एक है अब हैदराबाद में माशाला हैदराबाद में आप जाए हो हमारे यहाँ है नहीं आप लखनऊ चले जाइए वहां पर हाँ लखनऊ वाले को हो कहेंगे तो घूरेगा आपको कहेगा क्या हो क्या है ऐसा कोई लफ्ज है ही नहीं हमारे पास हमारे पास हाउ बहुत है शुरू से लेके आखिर तक है हाउ हाउ ही है लेकिन उनके पास हाउ नहीं उनके पास हाँ है तो एक ही जबान है उर्दू ही है लेकिन फ़र्क है तो ऐसे अरबी जबान में बहुत ज़्यादा फर्क था मक्के वालों की एक जबान थी मदीना वालों का उनका एक स्लैंग था, है ना? उसके बाद सहाबा मुख्तलिफ कबायल से थे बास कबीलों के पास जहां कहीं भी काफ हो वो उसे चा पड़ेंगे कैफा बने कहें वो कहेंगे चैफा उनकी जबान है है ना और ऐसे कबायल थे जहां कहीं भी आइन भी का मिले तो बीच में नून डाल देंगे ऐसी जबान है उनकी बास कबायल थे उनके पास अल नहीं अल के जगह अम अल बैतू नहीं कहेंगे कहेंगे अम बैतून बैत आपका घर कहां है अल नहीं उनके पास अम है ये मुख्तलिफ लहजे थे तो हर साहबी अपने लहजे में कुरान पढ़ता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूट थी कि वो हर कबीले को उनके लहजे में कुरान पढ़ने दें क्योंकि ये कबीला दूसरे कबीले के अरबी को नहीं मानता उनके पास वो अरबी को लेकर बड़ा मसला है तो नबी साम ने छूट दे रखी थी कि भाई हर कबीला अपनी जबान में कुरान पढ़े। तो एक साहबी हैं बनु असद से तो अपने अंदाज से कुरान पढ़े। कुरानी है दोनों कुरानी पढ़ते हैं लेकिन बोलने का अंदाज़ समझने के अलफा अलग होते हैं तो नबी साम ने शुरू में जितने भी अरबी कबाइल थे सबों से कहा था कि तुम अपने अपने लहजों में कुरान पढ़ें जब तक ये मसला अरबों के दरमियान था मसला ही नहीं अरब पहचानते हैं कि उनकी ज़बान है लेकिन जब इस्लाम गैर अरब ममालिक में दाखिल हुआ आजमी इस्लाम में दाखिल हुए तो खतरनाक मसायल खड़े हो गए ये पूरी तफसील इंशाला हम कल की मजिज़ में देखेंगे तो नबी नबेम के जमाने में हुआ क्या था आप ने इसे एक किताब की शक्ल नहीं दी क्यों नहीं दी इसकी जरूरत नहीं थी दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कुरान की आयतें जरूरत के तहत नाजिल होती हैं कभी दो आयतें नाजिल हुई कभी दस आयतें नाजिल हुई जब मसला पेश आया आयतें नाजिल होती तो ये कुरान का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था इसलिए नबीम ने इसे किताब की शक्ल नहीं दी और आखिरी आयत जो कुरान में नाजिल हुई सूर बकर आयत नाजिल होने के बाद आपसी दिन तक जिंदा रहे उसके बाद आप वफात हो गई तो कुरान मुकम्मल होने के बाद सिर्फ दो महीने के आसपास आप साहब जिंदा रहे उसके बाद आप गुजर गए थे तो ये आप सलाम को मौका नहीं मिला कि ये पूरे कुरान को एक किताब की शक्ल दें आप साल मालूम है कि हजारों की तदाद इसे याद कर चुकी है और हमने लिख कर भी इसका एक कॉपी तैयार कर लिया है अब जरूरत पड़ेगी तो मेरी उम्मत के लोग काम कर लेंगे और बकर सिद्दीक़ रजील्ला के ज़माने में इसकी जरूरत पड़ती है तो इन शह हम कल की मजलिस में देखेंगे ओबकर सद्दीक ने अल्लाह के इस कलाम को कैसे किताब की शक्ल दी वो कौन सा साबी थे इसे किताब की शकल देते हैं और कैसे किताब की शक्ल दी गई कैसे इसके मसाइल खड़े हुए और कैसे हल किए गए ये पूरी तफसील इन शाम हम कल की मजलिस के लिए रखते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं हमने जो भी कहा है जो भी सुना है इसके मुताबिक अमल करने की तोफिक बख्शे सुबह और मौजू के मुतल को इस कर लीजिएगा बोल रहे हैं समझने सवाल एक कर रहे हैं कि क्या लोगों पर कुरान हिस्स करना फर्ज था नहीं लोगों को मालूम था कि ये फर्ज नहीं सब अपने अंदाज से अपने जौक से करते थे हर आदमी को इतना कुरान तो मालूम हो जितना वो नमाज में पढ़ ले कम अज कम सूरह फातिहा जिससे उसकी नमाज हो जाती हो इतना तो उस पर फर्ज है लेकिन पूरा कुरान हिफ करना इस पर फर्ज नहीं है इतने सूरतें हिस्स करना यह भी फर्ज नहीं है जिससे उसकी नमाज हो जाती है उतनी आयतों से याद है इतना उसके लिए काफी है अल्लाह अलहम हाँ सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा कि जो आदमी कुरान पढ़ता है तो वो उसे पढ़ने में तकलीफ होती है उसकी जबान लड़खड़ाती है अटकता है तो इसे दो हजर मिलेगा और एक दूसरी हदीस में हमने कहा कि जो आदमी कुरान को अच्छे अंदाज से राग से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है इसे दोनों को कैसे समझे दोनों को जोड़कर समझिए कि जो आदमी ये हैसीयत रखता है ये ताकत रखता है कि वो कुरान को अच्छे ढंग से पढ़े तो उसे अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए एक आदमी उसके जबान में वो चीज़ नहीं चढ़ती हजार कोशिश करने के बावजूद उसकी जबान लड़खड़ाती है तो ये आदमी जब उसकी जबान लड़खड़ाती है तो कैसे अच्छे अंदाज से पढ़ेगा लेकिन पढ़ रहा है कोशिश कर रहा है तो उसे तो अजर मिलेगा ही तो ये उस अजर का जिक्र आया है तो जो आदमी इस्तात रखता है ताकत रखता है अच्छे अंदाज से पढ़ने का उसे अच्छा पढ़ना ही चाहिए उसे अटक अटक के पढ़ना नहीं चाहिए सवाल कर रहे हैं कि जिब्राम जब कुरान नबी सल्लम को पढ़ा रहे थे तो वो कौन से जबान में पढ़ा रहे थे देखिए नबी साम कुरैशी थे और नबी वम को अपना लहजा आता था तो वो जब्रैलम से उसी लहजे में कुरान सीखते थे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब्रैल से बार 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 ये मांग मांगी कि वो और लहजे भी पढ़ाएं तो जब्राइल ने शुरू में दो लहजे पढ़ाए जैसे हदीस में आता है दो हर्फ पढ़ाए फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तीसरा भी पढ़ाइए तो उन्होंने तीसरा भी पढ़ाया तो इस तरीके से सात हरूफ तक यानी सात लहजों तक उन्होंने जब्राई से सीखा उसके बाद जब्राई सलाम ने कहा कि बस आलम <trily> सवाल कर रहे हैं कि क्या कुरान पढ़ाने के लिए फीस लेना जायज है बिल्कुल जायज है बिल्कुल जायज है लेकिन ये जो फीस लिया जाता है ये इसलिए दिया जाता है या फिर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने उस वक्त को उसके लिए डेडिकेट किया है ये फीस इसलिए नहीं कि ये कुरान पढ़ा कर कुरान पढ़ कर ले रहे हैं ये वक्त जो कुरान पढ़ने के लिए लगाए हैं ना उस वक्त के बदले पैसा है कुरान के बदले नहीं कुरान के बदले पैसा नहीं माना ये कि एक साहब आपके पास आए वो कुरान पढ़ाए उनसे आपने इतफाक़ किया कि आप रोज़ाना एक घंटा मुझे कुरान पढ़ाएंगे तो उन्होंने कहा कि भाई एक घंटा नहीं मैं एक सूरे को चार्ज करूँगा पर वर्ड चार्ज करूंगा एक एक वर्ड के लिए मेरे पास इतने पैसे तो ये हराम हो जाएगा ये क्योंकि कुरान पढ़ाने के लिए कोई पैसा लेना चाहिए नहीं अल्लाह का कलाम है तो कुरान पढ़ाने के लिए जो वक्त आदमी डेडिकेट करता है ना हो सकता है वक्त कहीं और लगाए तो पैसे कमाए है ना और उसका काम यही है तो फिर उसके भी घर बार है कैसे चलेगा तो जो वक्त वो लगाता है वो वक्त के बदले उसे पैसा मिलेगा कुरान फीस आती ही उसका बदला कोई पैसा नहीं हो सकता हराम हो जाएगा है ना कोई मौली साहब में आपने कहा कि भाई जो है आप आप आज फजर में फ़ुरान सूरत पढ़ाइए उन्होंने कहा कि नहीं मैं छोटी सूरत का ही तनख्वाह लेता हूं बड़ी सूरत की तनख्वाह नहीं लेता हूं तो फिर हराम हो जाएगा ये चीज मुझे हराम हो जाएगी वह आलम अब ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी उम्मत में मसाइल में मुख्तल आरा हैं ये जो मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हैं इनमें से कौन सा ओपिनियन हम इख्तियार करें उनमें से वो ओपिनियन जो किताब और सुन्नत के करीब हो उसे हम इख्तियार करना चाहिए यही सही तरीक़ा है अब एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनका नाम इमाम अल्बानी और रहा आिनेदीस में बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने अहादीस में जो कमज़ोर अदीस हैं उसे उन्होंने अलग किया सही अहादीस को अलग जिक्र किया तो आज के बाद लोग कहते हैं कि भाई आप अलबानी की बात मान लेते हैं उससे पहले इमाम अबू हनीफा ने कहा इमाम शाफी ने कहा उनकी बात आप नहीं मानते तो फिर कौन बड़े हैं तो फिर आप, आप जो कहते हैं कि भाई अबू हनीफा इमाम शाफी इनकी बातों से ज्यादा कुरान की बातें हदीस की बातें लेनी चाहिए तो आप यहां पर अलबानी की बात ले रहे हैं यही ना आपका इश्काल जवाब इसका यह है कि इमाम अलबानी रहमतल्ला ने कभी भी कोई बात अपनी मर्ज़ी से नहीं कही हर बात उन्होंने दलील के बुनियाद पर कही और अबू हनीफ़ा इमाम शाफी रहमत आ सबों ने दलील के बुनियाद पर कही है दलील के बुनियाद पर अपनी बातें कही है कहीं पर भी इमाम अलबानी ने इमाम अबू हनीफा की जो फ़लान चीज़ है गलत नहीं कहा बल्कि इमाम अलबानी का काम हदीसों पर था हदीसों पर हदीसों को उन्होंने जांच पड़ताल करके कौन सी हदीस कबूल कर सकते हैं कौन सी कबूल नहीं कर सकते इसमें उनका काम था, था। ठीक है दोनों अलग अलग बातें दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए इमाम का मरतबा बहुत बड़ा है। इमाम शाफिक तो पचास साठ साल पुराने हैं लेकिन ये तो है। इमा, इमा है इमाम शाफी बड़े इमा हैं इनकी जो इज्जत है हमारे ईमान में से है बहरहाल ये जो मसाइल हैं इसमें जो फिके जो मुख्तलिफ राय हैं ये खालिस इल्मी बातें हैं इसे समझने के लिए आदमी को फ्र फिक, फिक जैसे ूम पढ़ने पड़ते हैं तब जाके उन्हें ये चीज़ें समझ में आती लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी है कि आपने एक मोतबर आलम जिसका आपने दीन देखा जिसका आपने तकवा देखा उसके पास आपने मसला पूछा और आप उस पर अमल करते जाइए इन शाला आपके लिए कोई दिक्कत नहीं ये मसाइल पढ़ना अहदीस में जो अकवाल हैं उनकी राय हैं जान पड़ताल करना ये उनका काम है जो शरीत पढ़ते हैं ये उनका काम है जो फ़िक्र पढ़ते हैं ओसूल फ़िक्र पढ़ते हैं हदीस पढ़ते हैं ऊसूल हदीस पढ़ते हैं ये उनका काम उनका मशगला है ये जिसे करने पर उन्हें सवाब मिलेगा लेकिन आम लोग जो इस फील्ड के नहीं उन्हें इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए उन्हें तो सिर्फ़ ये देखना चाहिए कि भाई फलां आलिम क्या वो वाकई तकवा वाले हैं क्या वाकई अपनी बातों की दलील देते हैं उनकी बातें वाकई इल्म पर मबनी हैं कि नहीं हैं आपने देख लिया उनसे फतवा लिया आप अमल करते जाइए इंशाल्लाह आप पर कोई हर्ज नहीं आप ना आप ये चेक करिए कि अबू हनीफा क्या कहते हैं आप ये ना चेक करिए कि इमाम शाफी क्या कहते हैं हम बली क्या कहते हैं मालिकी क्या कहते हैं ये आपका मैदान है ही नहीं आप ना इसे समझेंगे है कि नहीं तो इस तरीके से हम लोगों के लिए आम लोगों के लिए सिर्फ किसी मोतबर आलिम से मसले पूछें और उस पर अमल करते जाए वह मजीद खत्म करते हैं सुबह